नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 12 Pro 4G versus Samsung Galaxy A33 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 12 Pro 4G में 6.47 इंच जबकि Galaxy A33 5G में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Note 12 Pro 4G से कम है। विड्थ की बात करें तो Note 12 Pro 4G में 3.01 इंच जबकि Galaxy A33 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Note 12 Pro 4G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Note 12 Pro 4G में 0.31 इंच जबकि Galaxy A33 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Note 12 Pro 4G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 12 Pro 4G में 192 ग्राम जबकि Galaxy A33 5G में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 12 Pro 4G में AMOLED जबकि Galaxy A33 5G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 12 Pro 4G में 85.62 जबकि Galaxy A33 5G में 83.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 12 Pro 4G में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy A33 5G में 411 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 12 Pro 4G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Galaxy A33 5G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 12 Pro 4G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy A33 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 12 Pro 4G में Mali G57 MC2 जबकि Galaxy A33 5G में Mali G68 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 12 Pro 4G में MediaTek Helio G99 और Galaxy A33 5G में Samsung Exynos 1280 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 12 Pro 4G में 8GB जबकि Galaxy A33 5G में 6GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 12 Pro 4G में 256GB जबकि Galaxy A33 5G में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 12 Pro 4G में अप टू 2TB जबकि Galaxy A33 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Note 12 Pro 4G में 3 कलर्स जबकि Galaxy A33 5G में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 12 Pro 4G 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Galaxy A33 5G की तो वो 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 4G में 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी A33 5G की तो उसमें 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में नोट 12 प्रो 4G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro Plus 5G है, दूसरा Samsung Galaxy M13 5G है, तीसरा Tecno Camon 19 Neo है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Tecno Power Neo है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।